ऐसा रास्ता भाई मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा। सब फंसे हुए हैं, सब फंसे हुए हैं यहाँ। सो फाइनली बोर्ड देखा पादुम का, पादुम। हालत और बैग्स की हालत देखो यार, क्या हुई है। कल परसों ही धुलवाई थी। अरे भाई बैग की हालत देखो। सो पता नहीं बाइक कितना चले, 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर। ये एक लास्ट होप थी जहाँ से हमें पेट्रोल मिल सकता था। संजू वापस उधर जाओ। मुझे पता था कि चल जाएगा। अरे यार आप महान हो यार सच में। शायद हम गलत आ गए, एक टैक्सी वाले ने बताया कि आप गलत आ गए हो। लेट्स सी, जाके देख लेते हैं। सो ये पादुम का रास्ता है, हमने थोड़ा सा गलत टर्न ले लिया था तो उसकी वजह से 3-4 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाना पड़ा। हाय गाइस, एलन ग्रुप। ये एलन के फ्रेंड थे सारे, ये फंसे हुए हैं और इतनी इंक्लाइन राइड इनसे हो ही नहीं रही। और ये देख लो कितनी स्टीप है भाई, नीचे जाना इतना मुश्किल हुआ पड़ा है, ऊपर चढ़ना कितना मुश्किल होगा। ऐसा रास्ता भाई मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा। सब फंसे हुए हैं, सब फंसे हुए हैं यहाँ। भाई साहब देखो यार रास्ता देखो, ये वो देखो यार, पिंक फ्लावर्स कितने प्यारे लग रहे हैं यार। मतलब लोअर एल्टीट्यूड पे आप आ गए हो। मैंने नोटिस किया है कि 12,000 फीट से नीचे ये फ्लावर्स दिखने शुरू हो जाते हैं। और भाई संजू भाई का लग गया है रिजर्व और अब यहाँ से है 40 किलोमीटर। संजू भाई का जो बुलेट है वो काफ़ी ज़्यादा पेट्रोल खा रहा है। सो फाइनली बोर्ड देखा पादुम का, पादुम। और भाई चढ़नी रही चला चल, रुक जा। मेरी बाइक की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है इंक्लाइन चढ़ने में, और बुलेट पे भी ये चीज़ करना बहुत मुश्किल है। सारे बुलेट वाले अटके पड़े थे रास्ते में। तो संजय भाई बोल रहे हैं कि मोमेंटम ख़त्म कर दिया था इन्होंने, वहाँ पे रुक गए और फिर चढ़ नहीं पाई ऊपर बाइक। एक्चुअली बुलेट को मोमेंटम चाहिए होता है, मेरी बाइक तो खड़े खड़े भी चढ़ जाती है। मैं इतनी देर का बोल रहा हूँ रास्ता देख लो, क्योंकि हर रास्ता एक दूसरे से अलग है और पता नहीं कैसा है। ये देखो कैसा रास्ता है। राम से चलो। ओए होए कितना प्यारा लुक है यार, गजब। मतलब जो असली मोटो व्लॉगिंग होती है ना वो आज की है हमने, जबरदस्त। अभी तो निकलना ही बहुत मुश्किल है। सो गाइज 120 किलोमीटर कर लिया है हमने, और अभी भी यहाँ के जो मजदूर हैं वो सब ये बोल रहे हैं कि 60 किलोमीटर बचा है। अभी देखो पूछ के बताता हूँ। भैया पादुम कितनी दूर है? रास्ता यही था ना? हाँ। तो पेट्रोल चाहिए हो तो मिल जाएगा पेट्रोल?
तो यहाँ से बोल रहे हैं कि 60 किलोमीटर है, समझ नहीं आ रही कैलकुलेशंस। और अगर 60 किलोमीटर है तो डेफिनेटली संजू की बाइक नहीं चलने वाली, क्योंकि 40 किलोमीटर के आसपास का पेट्रोल उसमें मैक्सिमम बचा होगा, 35 से 40 किलोमीटर। सो पेट्रोल का कोई जुगाड़ करते हैं, और मेरी बाइक में भी 60-70 किलोमीटर का ही पेट्रोल है, क्योंकि हमने लेह से अपने टैंक फुल करवाए हुए थे और हमें लगा था कि पादुम पहुंच जाएंगे। सो 60 किलोमीटर है तो 3 घंटे कहीं नहीं गए, 3 घंटे आराम से लगने वाले हैं। ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि रात होने लग जाएगी। सो निकलते हैं यहाँ से। सो गाइज लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। सो भी टाइम बज रहा है 4:32। मैं आता हूँ रुको। लुक एट द व्यू गाइस, वाओ। यहाँ से पेट्रोल मिल सकता है। बाइक्स की हालत और बैग्स की हालत देखो यार, क्या हो गई है। कल परसों ही धुलवाई थी, ये देखो। अरे भाई बैग की हालत देखो। यहाँ पे एक लोकेशन थी, वहाँ पे हम पूछ रहे हैं तो वहाँ पे भी नहीं मिल रहा पेट्रोल। सो पता नहीं बाइक कितना चले, 30 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, जब ख़त्म होगा तब देखेंगे। सो मिलते हैं GoPro पे। ये एक लास्ट होप थी जहाँ से हमें पेट्रोल मिल सकता था। अब यही है कि सामने से कोई बाइकर आएगा या कोई व्हीकल आएगा तो उससे पूछ सकते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है। सो इस पेट्रोल के मैटर को ख़त्म करते हैं, देखा जाएगा जो होगा, और अपना एंजॉय करते हैं राइड को। और सीरियसली आई एम एंजॉयिंग, और बहुत मज़ा आ रहा है मेरे को राइड करके, क्योंकि जंस्कर वैली बहुत सुंदर है और एडवेंचरस है। चढ़ जा, शाबाश पुत्र, शाबाश। ये स्ट्रक्चर देखो पहाड़ों की, ऐसा लग रहा है 3 फेस हो। अब यहाँ से रोड दिख रही है पक्की, और आई थिंक यहाँ से 22 किलोमीटर दूर है पादुमपुर। पहाड़ देखो यार इतने सुंदर। और आई थिंक यहाँ पे होएगी एंट्री। सो यहाँ पे इन्होंने बाइक का नंबर और मेरा नाम और कहाँ से आए हो ये सारी डिटेल लिखी है। वो देखो छोटे छोटे टेंपल्स और एक बड़ा टेंपल पहाड़ी के ऊपर। बिल्कुल, वी गॉट इट, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप। ओ ये, अरे भाई वी मेड इट। है भाई पहले आप दिलवाओ, आपको जरूरत है। और पेट्रोल का रेट है यहाँ पे 104 रुपये। भाई पेट्रोल मिल गया वही बहुत बड़ी बात है। संजू बाबा भी बोल रहे हैं कि अभी भी 10 किलोमीटर पक्का पड़ा है पेट्रोल। संजू बाबा सुधर जाओ। अरे यार आप महान हो यार सच में। सो पहाड़ों से घिरा हुआ एक छोटा सा प्यारा सा टाउन पादुम। वो गाइस अभी मैं जहाँ पे रुकूंगा वहाँ पहुँच के आपसे बात करता हूँ। अभी टाइम हो रहा है 7:45, और 7:45 भी देखो कितना उजाला है। सो ये यहाँ की एडवांटेज है कि अगर आप थोड़ा सा लेट भी हो जाते हो तो यहाँ पे रोशनी काफ़ी देर तक रहती है। गेस्ट हाउस ढूंढते हमें 7:30 बज चुके थे। आधे बैग्स मैं ले गया हूँ, और आधे बैग्स लेके जाने की अभी हिम्मत नहीं है, थोड़ी देर बाद लेके जाऊँगा। और पहुँचते जो हमारी वाट लगी है वो हमें पता है। जो लास्ट का 40 किलोमीटर का पैस था वो पक्का पैस था, बट उसके अलावा सारी रोड ऑफ राइडिंग थी। आई थिंक मुझे आज के व्लॉग को ख़त्म कर देना चाहिए क्योंकि मैं बहुत टायर्ड हूँ। कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड गुड नाइट।